आज हम बनाएंगे दिल्ली के चांदनी चौक का बेहद मशहूर नाश्ता। ये कोई गोलगप्पा नहीं है, ये है खस्ता करारी, नागौरी पूड़ियां और हलवा। इसके साथ सर्व किया जाने वाला बेहद टेस्टी ये सब्जी, जिसको बिना प्याज लहसुन के तैयार किया जाता है। दिल्ली के छोले कुलचे और वहाँ की पराठे वाली गली के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नागौरी हलवा सब्जी पूड़ी भी किसी से कम नहीं है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम ये नागौरी जो पूड़ियां होती है इसका आटा तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर ले, उसी से सारा माप ले ले। यहाँ पर मैंने एक कटोरी से भर करके बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर ये नहीं है तो सिंपल जो नॉर्मल सूजी है उसको मिक्सी में डाल करके हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। उसके साथ हम इसमें डालेंगे इसी कटोरी से माप करके 3/4 कटोरी जितना, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं या फिर चाहें तो गेहूं के आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इस पूड़ियों को खस्ता बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे मोइन। तो यहाँ पर मोइन अच्छी मात्रा में डाला जाता है, इसी वजह से ये जो पूड़ियां हैं बेहद खस्ता बनके तैयार होती हैं। तो इस तरीके का जो टेबल स्पून वाला चम्मच होता है सभी ये घरों में आसानी से मिल जाता है, और जो भी आप एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह लेते हैं ना उनमें भी मिलता है। इस पे 1 TBSP पे लिखा होता है। इसी चम्मच से नाप करके हम यहाँ पर 4 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देशी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर हलवाई इसमें हमेशा इस तरीके से रिफाइंड ऑयल का ही मोइन देते हैं। तो मैंने 4 चम्मच भर करके रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया। अब इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से पहले सारे आटे के साथ में मिक्स करेंगे, और इसमें देखिए ऑयल काफी अच्छी मात्रा में डाला गया है, जिसके कारण देखिए पूरा अच्छी तरह से ऑयल से कोट हो चुका है। हमने इस मोइन को अच्छी तरह से रब करते हुए पूरे आटे में मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर पानी की मदद से इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी अच्छी मात्रा में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी काफी अच्छे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको ये आटा थोड़ा सा पतला ही लगाना है। इससे क्या होगा, कुछ देर जब आप इसे रेस्ट देंगे तो सूजी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और ये आटा बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस आटे को अच्छी तरह से लगा करके तैयार कर लिया है, और अब हम इस आटे को लगभग 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये सूजी आसानी से फूल जाए। तब तक हम तैयार कर लेते हैं हमारी सब्जी जो इस नागौरी पूड़ियों के साथ सर्व की जाती है। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना जीरा। जीरा जब हल्का सा चटक जाएगा तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है बड़े साइज का कट करके, थोड़ा सा अदरक और हरा मिर्च को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जीरा को हल्का सा भूनने के बाद ये दोनों चीजें ऐड कर देंगे, यानी बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक। इसको डाल करके भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल से निकल जाए। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी का पाउडर, 1 बड़े चम्मच जितना धनिया पाउडर, थोड़ी सी तीखी वाली पिसी लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली डाली है जो कलर के लिए इसमें ऐड की जाती है। जितने भी सूखे मसाले हमने यहाँ डाले हैं इनको डालने से पहले मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था ताकि कोई मसाला जले नहीं। अब मैंने यहाँ पर टमाटर डाल के वापस से गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी से अपना मॉइस्चर रिलीज कर देंगे। अब हम इसे ढक करके लगभग 1/2 से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ था, और देखिए कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से पक करके रेडी हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इन्हें हल्का सा मैश भी कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना फ्रेश दही। यहाँ पर हमें दही बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें टमाटर ऐड किया है। टमाटर में भी अच्छी खासी खटास होती है वरना सब्जी ज्यादा खट्टी हो जाएगी। दही को ऐड करते समय इस टिप का खास ध्यान रखें कि आप दही डालते समय गैस के फ्लेम को बंद रखें, इससे आपकी जो दही है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा क्योंकि इसमें प्याज लहसुन वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, तो कसूरी मेथी का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सब्जी में। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के ताजा उबले हुए आलू लिए थे, जिनको मैंने हाथों की मदद से हल्का सा क्रश करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। आलू डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी एडजस्ट कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल आने तक पका लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और एकदम ताजा हरा धनिया डाल करके इसे और 1/2 से 1 मिनट तक पका लेंगे। ये ग्रेवी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं रखी जाती, इस तरीके से पतला झोल रखा जाता है सब्जी का, जो की पूड़ियों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अब ये सब्जी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। एंड में जो आलू आपको दिख रहे हैं इनको हल्का सा मैश कर देंगे तो ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। ये बनके बिल्कुल तैयार है, इसको हम रखते हैं साइड में। और अब हम तैयार करते हैं हमारा नागौरी हलवा, जो स्पेशल इन पूड़ियों के साथ सर्व किया जाता है। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घर की कटोरी ले ली है, इसी से सारा माप आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर, यानी 3/4 कटोरी जितना मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। इसके लिए आपको बिल्कुल बारीक वाली सूजी ही इस्तेमाल करनी है। अगर वो नहीं है तो मिक्सी में डाल करके नॉर्मल सूजी को हल्का सा चला लीजिए, इससे सूजी बारीक हो जाएगी। जितना आपने सूजी ली है उतनी ही क्वांटिटी में वैसे तो घी डाला जाता है, लेकिन आप चाहें तो इस हलवे को थोड़ा कम घी में भी बना सकते हैं।
सबसे पहले हम घी डाल करके थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए मैंने काजू बादाम, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इस हलवे में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करके जब हम ऐड करते हैं हलवे में तो बहुत ही बढ़िया क्रंची फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद थोड़ा सा घी और ऐड कर लिया है जिसमें हम अपनी सूजी को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूजी जो लिया था 3/4 कप जितना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सूजी को डालने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस हलवे के लिए सूजी को बहुत ज्यादा लाल नहीं करना होता है, बहुत हल्का सा ही माइल्ड सा इसे रोस्ट करना होता है जिससे सूजी का कच्चापन भी निकल जाए और साथ ही साथ इस पे थोड़ा सा कलर भी आ जाए, बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं किया जाता। तो बस इसको लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। सूजी जब तक हमारी रोस्ट हो रही है तब तक हम यहाँ पर इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे जो इस हलवे में इस्तेमाल की जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैंने ऐड किया है 4 कटोरी जितना पानी। जिस कटोरी या कप से आपने सूजी का माप लिया था सूजी से लगभग 4 गुना पानी यहाँ पर ऐड करना होता है। तो आपको इसी तरीके से माप अपना सेट कर लेना है क्योंकि ये हलवा थोड़ा सा रसीला बन के तैयार होता है और खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी को हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया है। अब सूजी के वजन के बराबर इसमें मिठास ऐड की जाती है। तो यहाँ पर जितनी आपने सूजी ली थी उसी कटोरी से माप करके यहाँ पर चीनी डाल दिया। साथ में मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची के बीज को खोल करके इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसमें बढ़िया सा इलायची का फ्लेवर भी आ जाए। इस चीनी को हमें इस पानी में घुलने तक अच्छी तरह से इसको हाई फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पूरी तरह से घुल चुकी है। बस इससे ज्यादा हम इस चाशनी को नहीं पकाएंगे, इसको रखते हैं साइड में। और अब हमने जो सूजी भुनने के लिए रखी थी उसको चेक कर लेते हैं। देखिए सूजी का रंग कुछ इस तरीके का हो चुका है। जब सूजी आपकी इस कलर के टेक्सचर पे आ जाएगी तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना बेसन। बेसन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट लेकर आता है तो इस हलवे में बेसन का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। बेसन डालने के बाद इसे भी हम सूजी के साथ जरा से मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है इस टाइम पर आपको घी की जरूरत लग रही है तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच इतना घी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। बेसन को डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे जिससे बेसन का कच्चापन सारा निकल जाए। और बेसन को हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बेसन का जो रोस्टिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है सूजी के कंपैरिजन में। सूजी भुनने में ज्यादा समय लेती है, अगर हम इसे स्टार्टिंग में ऐड कर देते तो बेसन ओवर रोस्ट हो जाता जिसके कारण इस हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अभी दोनों चीजें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी तैयार की हुई चाशनी। चाशनी डालने समय ये बात का ध्यान रखें कि हल्की सी गर्म ही होनी चाहिए, अगर वो ज्यादा ठंडी हो गई तो उसे हल्का सा गर्म करके यहाँ पर ऐड करें। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि जल्दी से सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ा सा केसर भिगो करके रखा था वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये दूध जो हलवा होता है नागौरी हलवा थोड़े पीले कलर पे होता है और इसमें केसर का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है, तो इसीलिए इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और अब एकदम हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अब सूजी बहुत ही जल्दी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये हलवा कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अब जब हलवा इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे आ जाए तब आपको क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ जितना भी घी था आप चाहें तो पूरा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवाई तो इसमें अच्छा खुला घी डालते हैं तभी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और ये जो बचा हुआ घी है ना ये आपको एंड में ही डालना है इस तरीके से, और डालते जाना है इस तरीके से बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको भूनते जाना है। ये हलवा थोड़ा सा रसीला होता है तो इसीलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। बस इस तरीके से चलाते हुए घी डालते हुए आप इसे हल्का सा पकाते जाइए लो मीडियम फ्लेम पर जब तक कि हलवे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की नहीं हो जाती। ये देखिए हल्का सा पैन छोड़ने लग गया है, एकदम अच्छी तरह से चिपक नहीं रहा है और इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जब हलवा इस तरीके से हो जाएगा तब हम अपने कटे हुए फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेंगे और ये हमारा बेहद रसीला और मज़ेदार सा नागौरी हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं हमारी पूड़ियाँ जो नागौरी हलवे के साथ सर्व की जाती हैं। ये देखिए जो पूड़ियों का आटा था वो भी थोड़ा सा फर्म हो चुका है, मैंने आपको पहले जैसे बताया था इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया, सूजी ने अच्छा खासा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है जिसके कारण देखिए फिर से थोड़ा सा टाइट हो गया है। इसको हम फिर से पानी लगाकर अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच इतना मैदा या फिर जो आटा जो भी चीज़ आपने इसमें यूज़ की है वो 1 से 2 चम्मच डाल करके इसे वापस से फिर से थोड़ा सा गूंथ लेके तो इससे ये बिल्कुल एकदम चिकना हो जाएगा, जैसे कि हम नॉर्मली पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना उसका डो होता है बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी पर आ जाना चाहिए। उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैंने आटे को अच्छी तरह से चिकना कर लिया है, मैंने भी यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इतना मैदा और एक्स्ट्रा ऐड किया था, इससे अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इस आटे से पूड़ियाँ बना करके तैयार करेंगे। तो ये जो नागौरी पूड़ियाँ होती हैं बहुत ही छोटे छोटे साइज़ की होती हैं, मतलब गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़ी लेकिन छोटी छोटी होती हैं। अब हम इन पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जैसे नॉर्मली हम पूड़ी बनाते हैं ना बस उसी तरीके से आपको इसे बेल करके तैयार कर लेना है, पर थोड़े छोटे साइज़ में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्टली फूलेंगी भी और बहुत ही खस्ता बनेंगी। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है
मैं इसको फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जैसे हम पूड़ियों को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इन्हें हाई मीडियम फ्लेम पर डालना है, और जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगी तब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से खस्ता होने तक यानी एकदम बढ़िया कलर आने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम गोलगप्पे को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हमें इन पूड़ियों को भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ एकदम क्रिस्पी और करारी बनके तैयार हो चुकी है। इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे और इन गर्मा गर्म पूड़ियों को हम इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करके के अंदर हलवे को रख करके और सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे बेहद शानदार नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ दिल्ली चांदनी चौक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।